अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रसलान खान है। आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमने बात करनी है, और टॉपिक ये है कि हम अपनी लाइफ को माइंडफुली कैसे गुजार सकते हैं। हम हर वक्त जिस तरह हम कहते हैं कि मेडिटेट करना चाहिए माइंडफुल रहने के लिए, किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, फिर हम माइंडफुल रहेंगे। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि हमारी जितनी भी स्पेशली जो मेंटल इलनेसेस हैं, डिप्रेशन है जो मोस्ट कॉमनली, डिप्रेशन है, एंगजाइटीज़ हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, उनके पीछे रीज़न एक ही होता है। और रीज़न ये होता है कि हम या पास्ट की किसी चीज़ के साथ स्टक रह जाते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच सोच के डरते रहते हैं। माइंडफुलनेस बेसिकली आसान लफ्ज़ों में ये होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के अंदर रह रहे होते हैं। सो ऐसे क्या चीज़ें हैं कि जिससे हम हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो ओबियसली हम अवॉइड कर सकते हैं डिप्रेसिव थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को। सो तीन कॉमन टिप्स हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी लाइफ में, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसको करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये इफ़ेक्टिव रहे हैं या नहीं रहे। सबसे पहली चीज़ माइंडफुल रहने के लिए वो है रिमाइंडर। आपको हमेशा अपने आप को एक चीज़ रिमाइंड, आप सुबह के वक्त उठे हो, आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि आई हैव टू बी माइंडफुल, जब पॉसिबल हो सके मुझे माइंडफुल होना है। आप ब्रश करने गए हो, आप पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ कर रहे हो। आप अपना जो डे स्टार्ट करें वो तो हमेशा जो है ना एक चंद मिनट्स की बेशक ब्रीथिंग के साथ करें, अपने सांस पे फोकस रख के अपने सांस, मतलब सिर्फ उसको पूरे फोकस के साथ कि आप सांस अंदर लेके जा रहे हैं और आप उसको एक्सहेल कर रहे हैं। तो उसे 3 मिनट किया एंड देन एक रिमाइंडर अपने लिए रखा कि मुझे अपने आप को माइंडफुल रखना है। कुछ खा रहे हैं तसल्ली से, ना कि मशीन की तरह बस पकड़ा और बस खाते रहे, चू किया निगल लिया, चू किया निगल लिया। यू आर नॉट मशीन्स। आपको उसको पूरी तरह से खाना है, पूरी लज्जत लेके खाना है। आप प्रॉपरली च्यू करो और उसको निगलो, ये माइंडफुलनेस है। आप शावर ले रहे हो, साबुन है, शैम्पू है, उसकी स्मेल है, उसको पूरी तरह से देखा, उसको स्मेल करो, फिर जो पानी है उसको फील करो अपने ऊपर, मतलब हर चीज़ जब भी पॉसिबल हो सके, क्योंकि यही ज़िंदगी है। आप अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे हो। आई नो इसके अंदर बहुत सारे टाइम ऐसे होंगे कि आप अनकॉन्शियस होगे, आप मैकेनिकली फिर चीज़ें कर रहे होगे, बट जैसे ही होश आए उस वक्त आपने ये करना है। एंड देन द एंड ऑफ द डे आपने इस चीज़ को इन चेक रखना है कि कहते हैं कौन कौन से दिन में टाइम ऐसे आए थे कि जब आप अवेयर थे, माइंडफुल थे, एंड देन स्लीप। ये फर्स्ट टिप है कि आपने अपने लिए खुद से एक रिमाइंडर रखना है। जिस तरह मैं मेडिटेशन के अंदर बोलता हूँ, आप आँख बंद करके जब मेडिटेट कर रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने 10 से 15 मिनट अगर मेडिटेट किया तो आप 10 से 15 मिनट ही माइंडफुल रहे थे। आपका दिमाग इधर उधर आपको लेके जाएगा, बट जैसे ही ख्याल आए कि वो मैं तो मेडिटेट कर रहा हूँ, वापस आ जाओ। फिर आप बेशक थॉट ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी को बॉडी स्कैनिंग कर रहे हो, कोई भी वट एवर यू आर डूइंग इन योर मेडिटेशन, जिस चीज़ पे भी आपका फोकस है, जो भी है, आप उस पर वापस आ जाओ, इट्स फाइन। तो आपने दिन पूरा भी जो है ना इसी तरह ही गुजारना शुरू करेंगे। जब ख्याल आए कि आई हैव टू बी माइंडफुल, उस टाइम ज़रा प्रॉपरली अवेयर हो गए, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, बी थैंकफुल। आप जिस जगह पे, जिस लम्हे में इस वक्त हो, आपने इसी जगह, इसी पोजीशन में, इसी हाल में ही आना था, आपने कहीं और नहीं था जाना। सो ये चीज़ ऐसे हो जाता है, वैसे कर लेते हैं, ये हमारी जो थॉट्स हैं ना, ऐसे ही में से गलत फैसले हो गए, इसकी वजह से आज सफ़र कर रहा हूँ, ऐसे कर लेता, वैसे कर लेता। आप इस सब चीज़ों को साइड पर रख दो, आप जहाँ पर हो आपने यहीं पर आना था और यही सब कुछ होना था ना। जब आगे हो आप इस प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करते हो, ठीक है, एंड देन
जो कुछ भी आपके एक दिन में होता है, आप एक अच्छा खाना खाते हो, आपको एक अच्छा दोस्त है उससे बात कर सकते हो, आपके पास बच्चे हैं खेलने के लिए, आप एक एक मिनट जो अच्छा गुजार लेते हो, बी थैंकफुल। वो जो थैंकफुलनेस है ना, एक तो आपके अंदर वो ग्रेटिट्यूड पैदा करता है, ठीक है, और दूसरा आपका एक रिमाइंडर उससे खुद ब खुद ऑन रहता है। हम सूफिया की बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी, वो हर हाल में जो है ना शुक्र अदा करते हैं। तो आपका जो शुक्र है ना, वो आपके लिए एक नेमत है, वो आपको मैकेनिकल नहीं होने देता, ठीक है। आप इस नेचर को समझना शुरू करते हो और इसके साथ अपने आप को इलाइन करते हो कि हमारे रब ने ही सारा सब कुछ बनाया हुआ और उसके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, और वो हमें कुछ किसी भी चीज़ से नवाजता है, वो एक अच्छे लम्हे से भी नवाजता है, तो बी थैंकफुल। दैट्स ऑल। आप अब देखोगे सिर्फ यही चीज़ आने से आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड भी पैदा होगा और आप माइंडफुल भी होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है ना उसको हम बोलते हैं वर्चू। वर्चू बोल लें या द बेस्ट ऑफ यू, हम करेक्टर्स अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं, हम इंस्पायर्ड होते हैं किसी चीज़ से। आप किसी अच्छी मूवी के अंदर किसी करेक्टर को देखते हो, आप थोड़ी देर के लिए उस तरह चलना शुरू कर देते हो, ठीक है, उस तरह बोलना शुरू कर देते हो, तो आपके ऊपर इसी तरह आप कोई अच्छी बुक पढ़ते हो, आपको इन्फ्लुएंस होती है, बिल्कुल इस तरह होता है। सो ना द बेस्ट ऑफ यू, आपने हमेशा कोशिश करनी है कि कोई भी सिचुएशन है उसके अंदर मैंने एक अच्छा वर्चू वाला इंसान, जो मेरा बेहतरीन सेल्फ है, उसको ऑन रखना है, मुझे चीज़ों को रिमाइंड में रखना है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मैं कहीं पे गलत तो नहीं हूँ, मैं मुझे ये, क्योंकि ये जो जितनी भी मैं माइंडफुल आपको टिप्स हैं या जो भी हैं, ये मोस्टली जो है ना ये स्टोइसिज्म से निकलते हैं, फिलोसफी की जो एक शाख है, बड़ी स्पिरिचुअल सी शाख है। तो उसका एक बहुत बड़े फिलोसफर थे रोमन, वो किंग भी थे, एम्परर थे, तो उसका नाम था मार्कस अरेलियस। तो मार्कस अरेलियस जो था उसने, अब जिसके जब वो कोई ट्रायम्फ कर लेता था, जब कोई जगह पे जाता था, कोई इलाका फतह हो जाता था या कुछ इस तरह के होता था ना, तो जाहिर है किंग है, हर एक के अंदर एक आता ना कि आई एम समथिंग नाउ। हमारे जिस तरह हुक्मरानों पर बैठे होते हैं उनको भी बड़ी ईगोज़ पैदा हो जाती है ना, कि अच्छा मैंने फलां को पिछाड़ दिया पॉलिटिकली, तो उनकी जो ईगोज़ हैं उनके चेहरों पर नज़र आ रही होती हैं। तो उसने उधर एक रूल रखा हुआ था कि उसके जो पेजेंट्स होते थे या जो नीचे लोग होते थे, वो उसको आके कान में बोलते थे, यू आर इमॉर्टल, तुम फानी हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो भूल ना जाए इस सच को कि वो फानी है, वो इमॉर्टल है, उसने मरना है, उसके अंदर कहीं ईगो ना आ जाए कि ओह आई एम अ किंग, मैंने फलां जगह फतह कर ली है, एक दिन मर ही जाना है, ख़त्म हो ही जाना है, ये जो सारा गेटअप है, ये सारा जो तमाशा लगा हुआ है, ख़त्म हो जाना है। इसी तरह आपने अपने आप को उस करेक्टर के, जो आपने अपना बेस्ट सोचा है, उसको हमेशा कोशिश करनी है टर्न ऑन रहे। अगेन जिस तरह मैंने आपको बोला कि ये हो नहीं सकता कि आप हर वक्त उस रूप के अंदर रहें, आप कहीं गलती से आपकी आवाज़ ऊंची हो जाएगी, आपको उस टाइम पता नहीं चलेगा, आप इमोशंस के अंदर बोल जाएंगे, बट एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि यार उस टाइम मुझे ये नहीं था करना चाहिए, दैट वॉज रॉन्ग, ये आपको अवेयर रखती है, ये आपकी एक माइंडफुल एक्टिविटी है कि आप अपने आप को अगेन इन चेक लेके आते हो, ये तो इट वॉज द वर्स्ट ऑफ मी। फिर आपको किसी इंसान ने कुछ बोला तो अगर आप रिएक्ट कर रहे हो, आप उस टाइम अगर रिएक्ट हो भी जाए, बाद में सोचो, गो थ्रू करो कि उसकी क्या वजह होगी, उसने किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस तरह की चीज़ बोली है। आपकी ये जो सारी एक्टिविटी है, ये एक बड़ी थॉटफुल और बड़ी माइंडफुल है। ये जो आपका
द बेस्ट ऑफ यू है, या जो जिसको वर्च्यू बोलते हैं, इस करेक्टर को हमेशा अपने साथ रखना। आप तय कर सकते हो व्हाट्स द बेस्ट ऑफ मी और देन जस्ट कैरी ऑन विद इट। उसको अपने इन चेक आपने खुद रखना है। कोशिश करना कि हर रात को सोते वक्त आप पूरे दिन को एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें, कब कब माइंडफुल था, कब कब मुझे शुक्र अदा करना था, मैंने किया या नहीं किया, कब कब मैंने कुछ गलत कर दिया है, कहाँ पर मैं अपने वर्स्ट में था, कहाँ मैं अपने गुड में था। सो ट्रस्ट मी, आप खुद देखना शुरू करोगे कि आपकी लाइफ आसान होना शुरू हो जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी, एंड यू विल बी अ लवेबल पर्सन। ठीक है, तो इतना ही आज का पैगाम था।